पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि प्रदेश में कानून का कोई राज नहीं है। उन्होंने कहा कि देवली उनियारा क्षेत्र में कांग्रेस के 3 विधायक बजरी माफिया पर कार्रवाई के लिए धरने पर बैठे हैं, जबकि पर्यटन मंत्री बोल रहे हैं कि उनके क्षेत्र में पुलिस की भूमिका नगण्य है। टोंक के अंदर उनियारा की जो घटना हुई, जिस प्रकार बजरी माफिया को प्रशिक्षण देने का काम सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, बेखौफ हो गए वो। कभी धौलपुर में एसपी के पर गोली चलाने का काम करते हैं और कभी पीट पीट कर एक गरीब ट्रैक्टर चालक को मार दिया जाता है। डीजीपी रहे हैं हरीश मीणा, बरसों का अनुभव है उनका। वो इस बात पर पहुंचे हैं कि ये हत्या है और पहली बार राजस्थान के अंदर सत्तारूढ़ दल के 3-3 विधायक 5-5 दिन तक लगातार धरने पर बैठे, 2-2 3-3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे। सरकार की संवेदनशीलता समाप्त हो जाए और मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक तरफ सरकार के पर्यटन मंत्री ये बयान देते हैं कि पुलिस तंत्र विफल हो गया और दूसरे दिन भरतपुर के एसपी तबाड़ तोड़ 8 SHO बदल देते हैं, इस बात का प्रमाणीकरण कर दे देते हैं कि मंत्री ने जो कहा वो सही है। मैं समझता हूँ जिस सरकार के मंत्री ये कहने लग गए कि पुलिस तंत्र विफल हो गया और जिस सरकार में DGP रहे विधायक आमरण अनशन पर बैठ जाए, किस प्रकार का कानून का राज है? ये कानून का राज बचा नहीं है राजस्थान के अंदर।